यहाँ से आप गाड़ी लेके जाइएगा, देख लीजिएगा कितना गड्ढा है, ठीक। और ये सब झूठी बातें हैं। योगी जी बोल रहे थे गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया है, समझ लो। कितने समय नागो जी से तैसा जो है अच्छी पर जी, इधर जो है चले जाओ जयपुर तक, मतलब गिर जाए आदमी जो है। सांसद जब से चुना गया है क्षेत्र में नहीं आया, तो डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, कौन जाए कौन सुनेगा इस सरकार में, ये जाएंगे सरकार में सब लोग, हम जा चुके कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं इनकी बाइक जो है गड्ढे में गिर गई, इस तरह से ये कबाड़ हो गए। बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि इतना इतना ज्यादा लोगों का टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें लखनऊ जाना रहता है, 2 किलोमीटर जाने में ही इतनी आपत्ति रहती है। हम गिर गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 महीना हम अस्पताल में पड़े रहे, तो ये रोड ही का कारण तो है। हमसे भाजपा और सपा से और बसपा से क्या लेना। लखनऊ और बाराबंकी की सीमा पर ये सटा हुआ गांव है, बाराबंकी का है, और ये जो सड़क देख रहे हैं ये चिनहट सत्रिक रोड बोलते हैं। इधर आ जाइए, जरा सड़क दिखा दें हम, ये चिनहट से सत्रिक को जाती है और बहुत व्यस्त रोड है, लगातार गाड़ियों को आने जाने रहता है। लेकिन इस 10 किलोमीटर की सड़क पर भयानक गड्ढे बने, देखिए उतर गए, साइकिल सवार को तो उतरना ही पड़ गया, इतना बड़ा गड्ढा था। तो ये बिल्कुल गड्ढों से भरपूर सड़क है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 1 घंटा तक लग जाता है। ये सड़क कब से गड़बड़े भाई साहब, ये बताइए कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है ये बेनी प्रसाद वर्मा जब थे, कहाँ से लेके तब से कहाँ से कहाँ जाती है ये, इधर बताइए। जयपुर मार्ग ये हमारे नेताजी बेनी प्रसाद वर्मा जी के कार्यकाल में बनी थी, माननीय मुलायम सिंह, कौन से साल में, मुलायम सिंह यादव 2012 में, ठीक है। उसके बाद इस रोड पे गड्ढा मुक्त भी नहीं हुआ, जैसे योगी जी कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त होगा, पूरी रोडों का गड्ढा मुक्त होगा। मैं कह रहा हूँ इस सत्रिक चिन्हट रोड अगर देख लीजिए, आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, आप लोग कम से कम सत्रिक रोड पे आए और इसका आज जागरूक करेंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए, यहाँ से सत्रिक चिन्हट सत्रिक रोड देख लीजिए, और यहाँ से आप गाड़ी लेके जाइएगा, देख लीजिएगा कितना गड्ढा है, ठीक। और ये सब झूठी बातें हैं, योगी जी बोल रहे थे गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया है, समझ लो। कितनी समस्या हो रही है इस सड़क पर, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, टूट जा रहे हैं, इस पर आदमी गिर जा रहा है, समझ लो गिरता है कोहरे में तो समझ लो बहुत गिरे, गोड़ हाथ टूट जा रहे हैं। दूध वाला इधर से निकला नहीं, जब से ये रोड खराब हुई है कोई दूध वाला या कोई 4 पहिया वाहन इधर से निकलना नहीं पसंद करता, वो दूर से 2-3 किलोमीटर दूरी से घूम के पसंद करता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं बन रही चाचा, ये रोड क्यों नहीं बन रही है? जब से बेनी मर गया, ये सपा सरकार से अच्छी रहा है, गुंडा सरकार तब यह बनी रहा है, और जब से रहीस सरकार आई तब से मुड़कर नहीं देखी इधर, ये रहीस सरकार है ना, बेनी बाबू ने बनवाई थी, बेनी का मुलायम सिंह के जो अखिलेश सिंह रहा तब यह बनी रहा है, तब से मैं लगा नहीं कोई घूम नहीं देखा इधर, जब से यहाँ। अरे इस सड़क से आ रहे, कितना मजा आ रहा है चलने में, बहुत बड़ी मजा आ रहा है, मजा आता है। देखिए तमाम कितनी व्यस्त सड़क है, पहले देखिए लगातार ट्रैफिक जो है चलता रहता है और हजारों की तादाद में लोगों का सुबह शाम आना जाना, लखनऊ जाते हैं, बाराबंकी नागो जी से तैसा जो है अच्छी पर जी, इधर जो है चले जाओ जयपुर तक, मतलब गिर जाए आदमी जो है 9 किलोमीटर में या 4। बिल्कुल, तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ का बॉर्डर है, जब बॉर्डर के बाद लखनऊ में सड़कें ठीक हैं, लेकिन ये जब बाराबंकी की तरफ आते हैं तो सड़कें बेहाल हो जाती हैं। क्यों भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी मोदी जी को आप लोग जागरूक जरूर करवाइएगा, इस सत्रिक और चिन्हट रोड को जरूर देखिएगा। तो आप लोगों ने अपने यहाँ क्षेत्रीय विधायक, सांसद, डीएम, एसडीएम, धर्मराज और उर्फ सुरेश यादव विधायक है, सांसद तो बीजेपी का है ना, बीजेपी का सांसद है, लेकिन कभी यहाँ सांसद कभी आया है, कभी नहीं दिखाया, जब से सांसद जब से चुना गया है क्षेत्र में कभी नहीं आया। डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, कौन जाए कौन सुनेगा इस सरकार में, जाएंगे सरकार में सब लोग, हम जा चुके कह रहे हैं, अरे दूसरे को तो बोलने दीजिए, हम लोग जा चुके हैं सांसद के पास गए, लेकिन सांसद आश्वासन दिए थे, एमएलसी होगा या एमएलसी भी तो होगा, एमएलसी फिर वही चीज, एमएलसी भी भाजपा का है, हाँ तो उससे मिलिए बनवाएंगे, जितने भाजपा के हैं वो कुछ नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, दुश्मनी की आप लोगों से, नहीं नहीं दुश्मनी नहीं है, ये
जब से सरकार आई है तब से कोई काम हुआ वो हमको बताओ। हमारी लोगों की नहीं है, वो इनके दिमाग में ये है कि ये सपा वाले हैं, हाँ, वो भाजपा वाले हैं। तो 10 किलोमीटर की सड़क है सब सपा वाले थोड़ी है कि अब ये दुश्मनी इतनी है, ये जरूरी है भाई साहब ये सर एक सपा वाले चलते 10 किलोमीटर की सड़क है तो क्या सपा वाले ही चलते इसमें? सपा वाले भी चलते भाजपा वाले भी चलते हैं। कहां भाग रहे हैं, आपको नहीं चलना सड़क पे? नहीं चाहिए तो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बन रही सड़क? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी क्यों नहीं चाहिए? बननी चाहिए, बोलेंगे तभी तो बनेगी। आप तो बोलने को तैयार नहीं हो रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे ये बहुत परेशान हो गए सब आते जाते, ये भूल जाते हैं धूल मिट्टी में गड्ढा में साकर में गाड़ियों की सरकार की दुश्मनी जनता है। क्या कह रहे हैं? ये गाड़ी हमारी देखो गिर गई गड्ढे में। अच्छा देखिए ये कह रहे हैं इनकी बाइक जो है गड्ढे में गिर गई, इस तरह से ये कबाड़ हो गए। तो ये 10 किलोमीटर की सड़क है, लोगों का कहना है कि पूरी सड़क इस तरह से टूटी हुई है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा लग जाता है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने ही आपके हैं, क्या हालत है सड़क की, स्थिति तो वास्तव में बहुत ख़राब है। और एक तरफ जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहीं तमाम लोगों का कहना है कि जो लोकल सड़कें हैं उनकी भी मरम्मत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि इतना इतना ज्यादा लोगों का टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। रोड पे आए तो मुख्यमंत्री कम से कम आए दौड़ा तुम्हारा ना, हर जगह मुख्यमंत्री थोड़ी आएंगे, तो अधिकारी सांसद विधायक उनका काम है देखना। हर आदमी है, उनका भी आदमी है। इससे पहले चाचा जी भी है क्या भाई साहब, ये सड़क क्यों नहीं बन रही है भैया? ये सब झुंड वाले फैक्ट्री खोले बीजेपी वाले को कहा बतावा जाए, ये सब झुंड वाले फैक्ट्री खोले बीजेपी वाले उनका एक भी नहीं। आप सांसद से मिलिए, अधिकारी मिलिए, बन जाएंगे फंडा खाली झूठ बोलो ओके बस। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चाहे भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो, कोई भी हो, रोड से हमसे लेना देना है। हमें लखनऊ जाना रहता है, 2 किलोमीटर जाने में ही इतनी आपत्ति रहती है। हम गिर गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 महीना हम अस्पताल में पड़े रहे, तो ये रोड ही का कारण। तो हमसे भाजपा और सपा से और बसपा से क्या लेना देना है? हमें तो केवल रोड से लेना देना है, जो कि इतना आदमी इसमें कम से कम 2-3 लाख आदमी पर डे चलता है। ये भी नहीं है कि जो है 10-20 आदमी चलते हों, लाखों आदमी रातों दिन। ये लोगों की शिकायत यही है कि ये रोड जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है, और ये पूरी रोड इसे देखिए हम यहाँ पर जैसे ही खड़े हुए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ गए, इसका मतलब कि त्रस्त हैं ये लोग। अगर आप लोग थोड़ा आगे और चल के देखिए, हम मीडिया से कह रहे हैं कि आप अगर पैदल चल के थोड़ी देर और चलिए तो आपको और आश्वासन मिल जाएगा कि रोड की कीमत और क्या है इस स्थिति में। अगर चल पाए इस रोड पे तो एक बार आप लोग चल के आगे थोड़ा देखिए, बाइक पे आप बैठ जाएं, मेरी बाइक पे बैठिए और आपको मैं बॉर्डर तक घुमा के लेके आ रहा हूँ, उसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि बीजेपी सरकार में क्या रखा है। देखिए सरकार किसी की भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं फर्क पड़ता? लोगों का कहना है कि ये सरकार जो है वो बननी चाहिए, चाहे सांसद बनाए, चाहे विधायक बनाए, चाहे अधिकारी बनाए। और वास्तव में सड़क की स्थिति बहुत खराब है, और अगर ये सड़क बनती है तो लाखों लोगों को बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।